राजनीतिक गलियारों में 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री पद के लिए लगी इस होड़ में सब दल के प्रमुख मिशन दिल्ली की तैयारी में जोरों शोरों से जुट गए हैं। जहां एक तरफ सपा बसपा के गठबंधन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का इस गठबंधन में शामिल ना करना हैरान करने वाली बात थी। बुआ बबुआ के गठबंधन में जहां बबुआ ने साफ कर दिया है कि इस बार भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होगा, ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि उनकी ओर से मायावती ही प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगी या मुलायम, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सभी प्रमुख नेता खुद को इस उम्मीदवारी का हकदार मानकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी के बाद पश्चिम बंगाल में भी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों को न्योता देकर अपनी इस हुंकार रैली में आमंत्रित किया है। हार्दिक पटेल से लेकर अखिलेश यादव तक ने इस रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। दीदी की इस रैली से बहन जी ने दूरी बनाई हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का प्रतिनिधि भेजकर साथ होने का इशारा कर दिया है। मायावती की एक खासियत रही है कि वो ऐसी रैली में जाना पसंद नहीं करती हैं जहां वो केंद्र में ना हो। सूत्रों की माने तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दीदी और बहन जी दोनों ही प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को मजबूत मान रही हैं, तो ऐसे में तकरार होना तो लाजमी है। गौरतलब है कि इसमें राहुल गांधी का कोई जिक्र नहीं है और उनको कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने दरकिनार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जहां कांग्रेस ने अनौपचारिक तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लिया है, ये भी वजह मानी जा रही है कि इसलिए सोनिया और राहुल गांधी शामिल नहीं हुए हैं। ममता बनर्जी ने अपनी ओर से साफ किया है कि ये रैली विपक्ष की रैली है, इसलिए मंच पर गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में एक बार फिर महागठबंधन के पीएम के चेहरे पर सवाल उठना लाजमी है।